आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में एक प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी, जिसे अधिकारियों ने दुर्घटना का नाम दे दिया था। मारे गए दो लोगों की पहचान मोहम्मद मुदस्सिर आलम उर्फ कैफी और मोहम्मद साहिल के तौर पर की हुई थी। वहीं मोहम्मद मुदस्सिर एक 14 साल का लड़का था, जिसे पुलिस ने दंगाई करार दे दिया था। और अब उसी मोहम्मद का 10वीं का रिजल्ट सामने आया है, जिसमें उसने झारखंड की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 66.6% अंक हासिल किए हैं और अपनी मौत के बाद मुदस्सिर आलम फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो गया है। झारखंड शिक्षा परिषद की तरफ से घोषित परिणामों के अनुसार आलम रांची में लिटिल एंजल्स हाई स्कूल चार घरवा का होनार छात्र था। उसने 500 में से 333 अंक हासिल किए। मुदस्सिर अंग्रेजी में 71, हिंदी में 64, उर्दू में 70, विज्ञान में 60, सामाजिक अध्ययन में 68 और गणित में 53 अंक मिले हैं। बेटे का रिजल्ट जाने के बाद आलम की मां निकट परवीन फूट फूट कर रो रही है और भाजपा सरकार को कोस रही है। वहीं परवीन ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मेरा बेटा प्रथम श्रेणी में पास हुआ, लेकिन वो मारा गया। वहीं आलम के चाचा शाहिद अयूबी ने कहा कि वो पढ़ाई में अच्छा था। अयूबी ने कहा कि हम उसके लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे थे, वो परिवार का इकलौता बेटा था। आपको बता दें, जिस समय पुलिस द्वारा मोहम्मद को गोली मारी गई थी, उस समय उसकी मां ने कहा था कि वो मेरा इकलौता बेटा था, गोली मारने वाले शख्स को मेरे सामने लाया जाए। साथ ही मारे गए दोनों लोगों के घर वालों ने ये दावा भी किया था कि वो प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं थे। दोनों लोगों के परिवार ने मौत की पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मुदस्सिर के पिता मोहम्मद परवेज आलम ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि उनके नाबालिग बेटे को गोली कैसे लगी, जबकि वह प्रदर्शन का हिस्सा नहीं था। वहीं मोहम्मद को जानने वालों का कहना है कि वो मुदस्सिर आलम को हम भुला नहीं सकते कि कैसे दंगाई बताकर पुलिस ने एक मासूम बच्चे पर गोली चला दी। आपको बता दें कि मोदी सरकार में मुसलमानों के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कहीं मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर स्कूल जाने से रोका जा रहा है। और मुसलमानों पर बढ़ते इन्हीं जुल्मों का शिकार मुदस्सिर आलम भी हो गया, जो हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर एक धब्बा है और जिसे भाजपा चाहकर भी साफ नहीं कर सकती। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहिए MIM News Express।